नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं रणवीर सिंह और मैं आ गया हूं फिर एक अपडेट लेकर। देखिए, अपडेट आ रही है आरपीएससी से, और देखिए एसआई भर्ती को लेकर अपडेट है। जिस एसआई भर्ती को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर एक बवाल मचा हुआ है कि एसआई परीक्षा को रद्द किया जाए। जो 3 इडियट डेट थी उनमें एसआई परीक्षा हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे बवाल आपके सामने हैं जो कि आप देख चुके हैं। देखिए, अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन, हर भर्ती विज्ञापन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। देखिए, यहाँ पर प्रेस नोट है, ये प्रेस नोट जारी हुआ है 23/9/2021 को। देखिए, इसमें क्या दिया गया है, क्लियर हम आपको पूरा एक एक चीज पढ़कर इसमें बता देते हैं। देखिए, आयोग द्वारा उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर गृह विभाग पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2021 का आयोजन 3 चरणों में किया गया था। जो 3 इडियट जो डेट है उनमें देखिए 13/9/2021 से 15/9/2021 तक, और 2 सत्रों में प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे 12 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इसका आयोजन किया था। और देखिए, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली जिला मुख्यालयों पर इसका आयोजन हुआ था। आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्लियर दिया हुआ है उक्त परीक्षा हेतु दिनांक 27/9/2021 से 6/10/2021 तक अभ्यर्थी अपना नाम, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर, विषय के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर यहाँ पर आपको दिया गया है। अब देखिए, आगे चलते हैं, इसमें संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ईमेल या खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका ₹300 इसका चार्ज रखा गया है, शुल्क ₹300 रखा गया है, और आरपीएससी की वेबसाइट पर आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन एसएसओ आईडी जिससे आपने फॉर्म भरा था वहीं से आपको इसमें संशोधन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखिए उक्त परीक्षा में केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें, ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का प्रयोग करें, ऑफलाइन संशोधन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर विद्यार्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे, विज्ञापन की शर्तें नियमानुसार रहेंगी। देखिए, उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर आप आयोग की यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं या उनके फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है जो नोटिफिकेशन का हमने फोटो लगाया है। देखिए, सोम चौधरी सचिव है आरपीएससी के, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, एसआई भर्ती को लेकर ये नोटिफिकेशन आया है। जिन जिन अभ्यर्थियों की इस तरह की कोई समस्या है वो वहां पर इसमें ऑनलाइन जो तारीख जो आएगी आपकी 27/9/2021 से इसमें लिंक आएगा आपके एसएसओ आईडी पर, वहां से आप इसमें अपना चेंज कर सकते हैं। देखिए, फिर आते हैं एक अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।